सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस सो फ्रेंड्स हम यहां पर कॉमर्स यूजीसी नेट जे की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारी काफ़ी सारी यूनिट कवर अप हो रही हैं जो ये हमारी यूनिट है यूनिट नाइन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इसमें ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियो डाल चुकी हूँ यूनिट टेन इनकम टैक्स प्लस यूनिट वन बिजनेस एनवायरमेंट प्लस यूनिट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सो तो ये यूनिट्स भी ऑलरेडी हमारी चल रही हैं और भी यूनिट्स को मैं यहाँ पर कवर अप करूंगी और प्लस क्वेश्चंस पेपर को भी सो तो फ्रेंड्स ये जो हमारी यूनिट नाइन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस चल रही है जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लीगल एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज एंड फॉर्म फर्स्ट जिसमें हम कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन कर रहे थे जिसमें हम जो हमारा पार्ट है टाइप्स ऑफ कंपनी इसमें आज जो हम कवर करेंगे वो है हमारा वन पर्सन कंपनी सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें आप हमें फेसबुक पेज टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विथ प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से सो so फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन पर्सन कंपनी सो so, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वन पर्सन कंपनी क्या होती है टाइप्स ऑफ कंपनी में मैं ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पे वीडियो बना चुकी हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं सो so, वन पर्सन कंपनी अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है वन पर्सन का मतलब क्या है एक पर्सन एक पर्सन ही कंपनी को क्या करेगा चलाएगा वन पर्सन कंपनी तो ये कैसे होगा इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर एक है पर्सन मिस्टर 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 इसका नाम है ए ए के पास काफी सारा कैश होता है क्या होता है? काफी सारे कैश होता है है काफी कैश अब वो सोचते हैं क्यों ना एक बिजनेस चलाएं क्या करें एक बिजनेस एक कंपनी ओपन करें और एक बिजनेस को अच्छा खासा चलाएं लेकिन मिस्टर ए चाहते हैं वो सिर्फ अकेले ही इस बिजनेस को रन करें क्या चाहते हैं मिस्टर ए मिस्टर ए चाहते हैं कि वो बिजनेस अकेले ही रन करें प्लस उनको ये प्रॉफिट किसी के साथ शेयर ना करना पड़े प्रॉफिट क्या है किसी के साथ शेयर नहीं करना अब मिस्टर ए ने तो ऐसा सोच लिया मिस्टर ए ने ऐसा सोच लिया कि वो अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते खुद की एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें वो खुद ही ऑनर हो और सारे डिसीजन वो खुद लें जो भी प्रॉफिट है वो भी वो क्या करें वो खुद आन करें ठीक है अब मिस्टर ए ने जो सोचा वो कैसे पॉसिबल हुआ वो पॉसिबल हुआ कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन जो हमारा कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन है इसमें एक नया सेक्शन आया क्या चेंजेस हुए इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सिक्सटी टू ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन डिफाइन्स वन पर्सन कंपनी एज ए कंपनी विच हैज़ वन पर्सन एज अ मैंबर इट इज़ अ कंपनी इज इनकॉरपोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन जब आया तब ये पॉसिबल हुआ कि मिस्टर ए भी अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं और अपना बिजनेस चला सकते हैं ये कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन कहता है सेक्शन टू सिक्सटी टू जिसमें अब जो मिस्टर ए है जो चाहते थे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना जिसमें वो नहीं चाहते थे कि वो प्रॉफिट किसी और के साथ शेयर करें प्लस वो नहीं चाहते थे कि उनके बिजनेस में कोई और पर्सन डिसीजन मेकिंग ले, तो इसके लिए उनके लिए बेनिफिट हुआ उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की कंपनी का नाम था ए बी सी कंपनी का नाम है ए बी सी तो ये इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की अब जब कंपनी स्टार्ट की तो इसमें ये इकलौते ही ऑनर हैं क्या है ये मिस्टर ए ही एक, एक से पर्सन है जो इस कंपनी में ऑनर है प्लस जितने भी डिसीजन होते हैं वो यही लेते हैं सारा प्रॉफिट इन्हें मिलता है तो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी होती है इस पर पूरा कंट्रोल मिस्टर ए का है यहाँ पर क्या है फुल कंट्रोल मिस्टर ए का मिस्टर ए का क्या है फुल कंट्रोल मतलब इन्हें किसी की एडवाइस या किसी और की डिसीजन की ज़रूरत नहीं है इन्हें जो भी डिसीजन लेने ये खुद ले सकते हैं अपनी कंपनी में क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है क्या है ये वन पर्सन कंपनी तो जब ये कंपनी बनी ए बी सी तो ये किसकी तरह होगी यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ कंपनी इन कॉरपोरेटेड एज ए प्राइवेट कंपनी ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह वर्क करेगी जिसमें क्या होगा कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर जिसमें क्या होगा सिर्फ वन मेंबर ही होगा वो वन मेंबर कौन होगा जो उस कंपनी का ऑनर होगा जो उस कंपनी में डिसीजन लेगा सारे जिसके हाथ में सारी कंट्रोल पावर होगी जो उस कंपनी में सारे डिसीज़न लेगा जिसके पास सारा प्रॉफिट होगा वो अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करेगा अब वो इतने सारे बेनिफिट तो मिस्टर ए को हो रहे हैं तो ये सारे बेनिफिट कैसे पॉसिबल हो पाए कंपनी एक्ट टू के बाद जब ये कंपनी एक्ट आया तो इसमें वन पर्सन कंपनी में मिस्टर ए ने अपनी कंपनी एक स्टार्ट की जिसमें वो सारे इनको बेनिफिट्स मिल सके जो मिस्टर ए चाहते थे जो वो सोचते थे कि एक पर्सन मैं हूँ मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ और इस तरीके से मिस्टर ए कंपनी ओपन कर पाए थ्रू दी वन पर्सन कंपनी जिसमें एक मेंबर होता है और जो वर्क करेगी प्राइवेट कंपनी की तरह नेक्स्ट अब तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी क्या फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ वन वन पर्सन कंपनी क्या फीचर्स हैं? सो फर्स्ट लिखा ये, है प्राइवेट कंपनी मैंने अभी आपको बताया प्राइवेट कंपनी की तरह वर्क करेगी किस सेक्शन में कहा गया सेक्शन थ्री वन सी ऑफ द कंपनी एक्ट से सिंगल पर्सन कैन फॉर्म एनी लॉफुल मतलब जो कंपनी है वो क्या क्या एक्टिविटी करेगी लॉफुल एक्टिविटी करेगी कोई इलीगल वर्क नहीं करेगी कंपनी जो है अगर वो प्रोडक्ट बना रही है या कोई लॉफुल एक्टिविटी कर रही है तो तो वो ठीक है अगर वो इलीगल कुछ परपस कर रही है तो उस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा तो अगर ए कंपनी है और वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और वो लॉफुली ठीक है तो वो कर सकती है और वो एज ए प्राइवेट कंपनी कंसिडर की जाएगी कैसी प्राइवेट कंपनी वन पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी को यहां पर हम ओ पी सी भी बोलते हैं तो देखते हैं यहां पर अ कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पज इट फर्दर डिस्क्राइब्स ओ पी सी एज अ प्राइवेट कंपनी तो ये क्या लिखेंगे अपने नाम क्या क्या ओ पी सी कंपनी ओ पी सी का मतलब वन पर्सन कंपनी नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहां पर सिंगल मेंबर अब सिंगल मेंबर का मतलब क्या है यहाँ पर ओ पी सी कैन हैव ओनली वन मेंबर और शेयर होल्डर अनलाइक अदर प्राइवेट कंपनी अब प्राइवेट कंपनी होती तो वहाँ पर काफ़ी मेंबर होते हैं लेकिन ओ पी सी में कहा गया है कि सिर्फ एक ही मेंबर होगा ओनली वन मेंबर और मेंबर नहीं होंगे मेंबर और शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर है जो ऑनर है जो डिसीजन लेगा जिसके पास सारा प्रॉफिट होगा जिसके पास डिसीजन मेकिंग होगी जिसके पास फुल कंट्रोल होगा वही पर्सन नेक्स्ट है नॉमिनी अब क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है एक ही पर्सन क्या है कंपनी का ऑनर है तो अगर कंपनी का ऑनर को कुछ हो गया तो फिर वो कंपनी कैसे आगे चलेगी उसके लिए एक नॉमिनी बनता है अब नॉमिनी कैस, क्या कैसे करेगा इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहां पर मिस्टर ए हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल को ही देखते हैं मिस्टर ए ने जो कंपनी स्टार्ट की थी ए बी सी मिस्टर ए की जो कंपनी है वो है ए बी सी अब क्योंकि वन पर्सन कंपनी में बोला गया है कि आपको एक नॉमिनी भी रखना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पे वर्क कर सके तो इन्होंने एक नॉमिनी रख लिया इनका बहुत अच्छा फ्रेंड था मिस्टर बी मिस्टर बी को इन्होंने एज ए नॉमिनी रख लिया तो एक नॉमिनी भी होता है इस कंपनी में तो आ यूनिक फीचर ऑफ ओ एक ये यूनिक फीचर है ओ कंपनी का दैट सेपरेट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ कंपनी ये जितनी भी कंपनीज हैं जितने भी काइंड ऑफ कंपनीज हैं उन सबसे कुछ अलग सा है ये इसमें क्योंकि नॉमिनी है नॉमिनी मतलब अगर ये पर्सन को कुछ होता है जे इसका ऑनर है मिस्टर ए तो इसके बिहाफ पे जो वर्क है जो है वो कौन देखेगा मिस्टर बी जो कि नॉमिनी है इज दैट सोल मेंबर ऑफ द कंपनी हैज़ टू मेंटेन अ नॉमिनी तो मिस्टर ए को नॉमिनी रखना ही होगा अगर मिस्टर ए चाहे तो बाद में अपने नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मिस्टर ए मिस्टर ए अपने नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं ऐसा भी प्रोविजन है वन पर्सन कंपनी में तो सोल मेंबर ऑफ द कंपनी हैज़ टू मेंटेन अ नॉमिनी वाइल रजिस्टरिंग द कंपनी जब रजिस्टर होगी कंपनी ओपीसी ओपीसी सी वन पर्सन कंपनी तब कंपनी के ऑनर को यानी कि यहाँ पर मिस्टर ए को एक नॉमिनी को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा जिससे अगर उसकी कंपनी में कुछ होता है तो उसके बाद वो कौन पर्सन उसको आगे हैंड करेगा कौन उस पर्सन को देखेगा तो उसके लिए मिस्टर बी एज ए नॉमिनी यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बताया था मिस्टर बी क्या है नॉमिनी अगर मिस्टर ए को कुछ हो जाता है सपोज मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो मिस्टर बी आगे क्या करेंगे इस कंपनी को टेक ओवर करेंगे और इसके सारे बिजनेस को देखेंगे और जो लाइबिलिटीज़ होंगी उस लाइबिलिटीज़ को देंगे यहाँ पर तो मिस्टर वी का बी का क्या होगा आगे का वर्क होगा तो वन पर्सन कंपनी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉमिनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो हमने यहाँ पर तीन पॉइंट डिस्कस करे प्राइवेट कंपनी होती है कैसे सेक्शन थ्री वन सी के तहत नेक्स्ट सिंगल मेंबर होता है और प्लस नॉमिनी भी होता है नेक्स्ट अब तो हम यहाँ पर देखते हैं अब लिखा है नो परपेक्चुअल सक्सेशन मैंने आपको कंपनीज की अगर फर्स्ट वीडियो आपको याद हो जिसमें मैंने बताया था कंपनीज होता क्या है तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था परफेक्चुअल सक्सेशन कि कंपनी कभी खत्म नहीं होती अब यहाँ पर क्या लिखा है नो परफेक्चुअल सक्सेशन ऐसे क्यों लिखा है देखते हैं देयर इज ओनली वन मेंबर इन ओपीसी ओपीसी इज वन पर्सन कंपनी हिज डेथ विल विल रिजल्ट इन नॉमिनी चूजिंग और रिजेक्शन रिजेक्टिंग टू बिकम इट्स सोल मेंबर अब हमें इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वही एग्जाम्पल कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पर मिस्टर ए थे मिस्टर ए की क्या हो गई डेथ हो गई मिस्टर ए की डेथ हो गई और जो इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी एबीसी कंपनी ए बी सी ए बी सी जो इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी वो उसमें जो नॉमिनी था वो था मिस्टर बी अब मिस्टर बी के पास ये ऑप्शन है कि वो या तो इस कंपनी को कंटिन्यू चलाएं या दूसरा ऑप्शन क्या है दूसरा ऑप्शन है वो नहीं करते हैं। बंद कर देते हैं कंपनी तो क्या है यहाँ पर नो पर सक्सेशन मतलब एक पर्सन के डेथ के बाद वो कंपनी बंद भी हो सकती है पर सक्सेशन नहीं है पर सक्सेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यू चलते रहना ऑनर की डेथ के बाद भी कंपनी का चलते रहना तो वन परसेंट कंपनी में अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसके पास ऑप्शन है कि वो इसे चूज करे या ना करे तो क्या होता है यहाँ पर परपेक्चुअल सक्सेशन नहीं होता तो बिकम इट्स सोल मेंबर दिस डज नॉट हैपन इन अदर कंपनीज एज दे फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेक्चुअल सक्सेशन तो यही लिखा है यहाँ पर नेक्स्ट है मिनिमम वन डायरेक्टर अब क्योंकि इसका नाम ही क्या है वन पर्सन कंपनी अब जब इसका नाम ही वन पर्सन है तो यहाँ पर एक ही ऑनर है एक ही जिस जो पर्सन है उसके पास सारा कंट्रोल है और एक ही वो पर्सन है जो सारे डिसीजन लेता है जो सारे प्रॉफिट लेता है जब सारी पावर एक के पास है तो डायरेक्टर भी क्या है एक ही है यहाँ पर तो ओ पी सी नीड टू हैव मिनिमम वन पर्सन अब अगर एक कंपनी ओपन करना चाहता है एक पर्सन यानी कि जो एग्जाम्पल हमने लिया था मिस्टर ए मिस्टर ए क्या कर रहे थे यहाँ पर एक यहाँ पर मिस्टर ए जो थे वो चाहते थे ना कंपनी ओपन करना तो इसके लिए कम से कम एक मिस्टर ए का होना तो जरूरी है ना तभी तो कंपनी ओपन होगी तो एक पर्सन का होना बहुत जरूरी है तो ओपीसी नीड टू हैव मिनिमम वन पर्सन द मेंबर हैज डायरेक्टर दे है दे कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ फिफ्टीन डायरेक्टर अब इसमें बोला गया है कि डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं अगर मिस्टर ए चाहें तो ठीक है तो मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए मिनिमम वन डायरेक्टर इसका कंपल्सरी नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट लिखा है नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल तो क्या है यहाँ पर कोई मिनिमम शेयर कैपिटल फिक्स नहीं है कुछ नहीं बताया हुआ यहाँ पर तो कोई फिक्स कैपिटल नहीं बताई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नो तो क्या लिखा कंपनी एक्ट टू हैज नो प्रिस्क्राइब एनी अमाउंट एज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर ओपीसी ओ के लिए ऐसा नहीं प्रिस्क्राइब किया गया कि कितना अमाउंट मिनिमम पेड कैपिटल होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्पेशल प्रिविलेज। अब क्या स्पेशल प्रिविलेज दी गई है क्या छूट दी गई है विशेष ओ को ओ पी सी इंजॉय सर्वल प्रिविलेज। ओ कंपनी जो एक पर्सन था वो क्या कर रहा था कंपनी को ओपन कर रहा था बेनिफिट्स के लिए तो क्या क्या छूट दी गई है क्या क्या एग्जिपन दी गई हैं अंडर द कंपनी इज एक्ट दैट काइंड

लेकिन ओ पी सी में ये रूल ही नहीं है उन्होंने कहा दे डू नॉट हैव टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग क्या है उनको उनको होल्ड कराने की जरूरत नहीं है ये इनको प्रिविलेज दी गई है प्रिविलेज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बनाने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट को इनक्लूड करने की नीड नहीं है एग्जाम सेक्रेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू साइन एनुअल रिटर्न अब क्या होता है जब एनुअल रिटर्न फाइल होती है तो उस पर साइन करने होते हैं एनुअल डायरेक्टर को तो यहाँ पर उसकी भी नीड नहीं है डायरेक्टर डायरेक्टर खुद भी साइन कर सकता है सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है उसे तो ये कुछ प्रिवलीज दी गई हैं जो अदर कंपनीज़ में फॉलो करनी पड़ती हैं ओपीसी में इन चीज़ों को छूट दी गई है ये सारे इसके लिए क्या है प्रवलेजेस हैं जिससे कि लोग प्रमोट हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें इसलिए टू जो एक्ट आया है इसमें ये बेनिफिट हुआ है ओपीसी जो नया आया है इसमें तो ये सारे बेनिफिट हुए हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी कंपनीज़ को स्टार्ट करें और बिजनेस करें तो ये कुछ प्रिवलिजेस दी गई हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डू नॉट अप्लाई टू दैम प्रोविजन है ये। नेक्स्ट क्या है देयर आर्टिकल्स कैन प्रोवाइड फॉर एडिशनल ग्रुप फॉर वेकेशन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफिस एडिशनल क्या होते है एडिशनल ग्राउंड ऑफ़ वेकेशन के लिए इन्हें कुछ देना नहीं पड़ता कुछ पे नहीं करना पड़ता सर्वल प्रोविजन्स रिलेटिंग टू मीटिंग एंड क्वारम डू नॉट अप्लाई इसके लिए भी इन्हें अप्लाई करना नहीं होता दे कैन पे मोर रेमरेशन टू डायरेक्टर देन कंपेयर टू अदर कंपनीज़ तो अब यहाँ पर देखते हैं हम वन बाय वन क्या था यहाँ पर प्रोविज़न है इसके लिए कि इंटर डिपेंडेंट डायरेक्टर डू नॉट अप्लाई इंटर डिपेंडेंट डायरेक्टर की इन्हें अप्लाई करने की नीड नहीं है देर आर्टिकल्स कैन प्रोवाइड द एडिशनल ग्राउंड फॉर वेकेशन फॉर ये क्या कर सकते हैं ग्राउंड फॉर वेकेशन डायरेक्टर ऑफिस जो डायरेक्टर ऑफिस को वेकेंट कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर है सर्वर प्रोविजन रिलेटिंग टू द मीटिंग एंड कॉरम डू नॉट अप्लाई कॉरम की ने नीड नहीं है दे कैन पे मोर रेमेशन टू डायरेक्टर दैम देन कंपेयर टू अदर कंपनीज तो ये क्या कर सकते हैं रेमोनोरेशन डायरेक्टर को वो ज़्यादा दे सकते हैं रैदर देन Other तो ये सारे क्या हैं ये सारे प्रवलेजेस हैं जो ये छूट दी गई हैं ओपीसी कंपनी को सो so फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें आप हमें टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्टडी विथ प्रोफेशनल क्लासेज के नाम पर हमारी ब्लॉगर की आई है डब्ल्यू 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 डॉट स्टडी प्रोफेशनल डॉट स्पॉट डॉट कॉम सो so फ्रेंड्स हम यूजीसी नेट डी की सारी वीडियो सारी यूनिट को कवरअप करेंगे प्लस हम क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स